फूलन देवी की कहानी भारतीय इतिहास में एक साहसी और संघर्षशील महिला की कहानी है, जो गरीबी, अत्याचार और सामाजिक अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई। उनकी जिंदगी कई मोड़ और उतार चढ़ाव से भरी रही, जो उन्हें एक डाकू से संसद सदस्य तक का सफर तय करने वाली अद्वितीय महिला बनाती है। फूलन देवी का जीवन उनके संघर्षों, बदले की आग और अंततः एक नई पहचान की खोज की कहानी है। देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक गरीब मल्लाह परिवार में हुआ था। उनका गांव शेखपुरा उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े इलाके में था, जहां जातिगत भेदभाव और अत्याचार चरम पर थे। छोटी उम्र से ही उन्हें अपनी गरीबी और निम्न जाति के कारण अपमान और शोषण का सामना करना पड़ा। समाज में उच्च जातियों का दबदबा था और मल्लाह समुदाय जैसे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को हमेशा से ही नीची नजरों से देखा जाता था। फूलन देवी का बाल विवाह बहुत ही कम उम्र में कर दिया गया था, जो उस समय एक सामान्य परंपरा थी। उनके पति ने उनका शोषण किया और उन्हें कई बार प्रताड़ित किया। उन्होंने विवाह से भागने की कोशिश की, लेकिन समाज और परिवार ने उनकी मदद करने के बजाय उन्हें वापस पति के पास भेज दिया। उनके पति के द्वारा लगातार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न ने उन्हें घर से भागने पर मजबूर कर दिया। फूलन देवी ने अपने गांव लौटने का प्रयास किया, लेकिन वहां के उच्च जाति के जमींदारों ने उनका अपहरण कर लिया और उनका यौन उत्पीड़न किया। इस अत्याचार ने उनके अंदर बदले की आग को और भड़का दिया। उन्होंने समाज की इन अत्याचारियों के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। जल्द ही फूलन देवी का सामना उत्तर प्रदेश के एक कुख्यात डाकू गिरोह से हुआ। उन्होंने इस गिरोह के साथ जुड़ने का फैसला किया, ताकि वे अपनी सुरक्षा कर सकें और अत्याचारियों से बदला ले सकें। इस गिरोह के नेता विक्रम मल्लाह थे, जिन्होंने फूलन देवी को अपने समूह में शामिल किया और उन्हें अपने साथी के रूप में स्वीकार किया। विक्रम मल्लाह ने फूलन देवी को इस गिरोह में सशक्त भूमिका दी और उन्होंने उसे अत्याचारी जमींदारों और उच्च जातियों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। फूलन देवी का सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद बेहमई हत्याकांड से जुड़ा है। 1981 में बेहमई गांव में फूलन देवी के गिरोह ने 22 उच्च जाति के ठाकुरों की हत्या कर दी थी। यह घटना तब हुई जब फूलन देवी ने ठाकुरों के एक समूह से बदला लेने का फैसला किया, जिन्होंने पहले उनका अपहरण कर उनका यौन शोषण किया था। यह हत्याकांड पूरे देश में चर्चा का विषय बना और फूलन देवी को बैंडेड क्वीन यानी डाकुओं की रानी के नाम से जाना जाने लगा। बेहमई हत्याकांड ने न केवल फूलन देवी को भारतीय पुलिस और सरकार की हिट लिस्ट में शामिल कर दिया, बल्कि इसे समाज में जातिगत अत्याचारों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाने लगा। एक गरीब निम्न जाति की महिला ने उच्च जातियों के अत्याचारियों से बदला लिया, जिसने समाज के सभी वर्गों में हलचल मचा दी। यह घटना जातीय संघर्ष और सामाजिक असमानताओं के प्रतीक के रूप में देखी गई। बेहमई हत्याकांड के बाद पुलिस ने फूलन देवी के गिरोह के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया। कई डाकुओं को मारा गया और अंततः फूलन देवी ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले में अपने गिरोह के साथ आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के समय की यह थी कि वे और उनके गिरोह के सदस्य को मौत की सजा नहीं दी जाएगी। आत्मसमर्पण के बाद फूलन देवी को जेल भेज दिया गया और उन पर कई आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाया गया। उन्होंने जेल में कई साल बिताए, लेकिन समाज के कुछ वर्गों ने उनके संघर्ष और अत्याचारों के खिलाफ उनकी लड़ाई को एक नायिका के रूप में देखा। उनके जीवन को फिल्म और साहित्य में भी स्थान मिला और वे लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। 1947 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने फूलन देवी के खिलाफ सभी आरोपों को वापस ले लिया और उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद फूलन देवी ने राजनीति में कदम रखा और समाजवादी पार्टी से जुड़ गई। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में ही मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव जीता और संसद सदस्य बनी। फूलन देवी का राजनीतिक जीवन उनकी उस यात्रा का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने समाज के दलित और पिछड़े वर्गों की आवाज बनने का प्रयास किया। राजनीति में उनका प्रवेश यह दिखाता है कि कैसे एक डाकू, जिसे समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था, देश की संसद में अपनी जगह बना सकती है। यह उनके जीवन का एक नया अध्याय था, जहां उन्होंने अपने संघर्ष और साहस का इस्तेमाल सामाजिक न्याय और समानता के लिए किया। 25 जुलाई 2008 को फूलन देवी की दिल्ली स्थित उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने की, जिसने दावा किया कि उसने बेहमई हत्याकांड में मारे गए ठाकुरों की मौत का बदला लिया है। फूलन देवी की हत्या ने पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर पैदा की और एक बार फिर उनके जीवन की घटनाओं पर चर्चा होने लगी। फूलन देवी की कहानी भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव, महिलाओं के प्रति अत्याचार और संघर्षों की गाथा है। उनका जीवन यह दर्शाता है कि कैसे एक महिला ने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए न केवल बंदूक उठाई, बल्कि बाद में राजनीति के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। फूलन देवी का जीवन यह संदेश देता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, साहस और दृढ़ता के साथ कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा कर सकता है।